नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार, राज परफेक्ट इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10 के लिए फर्स्ट फ्लाइट बुक से चैप्टर 1 लेकर आया हूँ, जिसका नाम अ लेटर टू गॉड है। अ लेटर टू गॉड जी एल फिल्म्स के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, आपको पढ़ने से पहले, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, वे कहते हैं विश्वास पहाड़ों को हिला सकती है। बट वॉट शुड बी पुट अवर फेथ ही, परंतु हमें अपने विश्वास में क्या इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज, यही एक सवाल होता है जिसके बारे में स्टोरी हमें डिटेल्स में बताती है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड आस्किंग फॉर 100 पेसोस। यानी लेंचो नाम का एक किसान होता है जो गॉड को एक पत्र लिखता है जब उसका फसल नष्ट हो जाते हैं, और वो 100 पेसोस की डिमांड करता है। पेसोस क्या होता है? करेंसी होता है ये, जो अर्जेंटीना और नियर बाय कंट्रीज में यूज किए जाते हैं। डज लेंचोस लेटर रिच गॉड, क्या लेंचो का पत्र गॉड के पास पहुंच जाता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या गॉड उसे पैसा भेज देता है? थिंक वॉट यू आंसर टू दिस क्वेश्चन दिस क्वेश्चन वुड बी, सोचिए इन सवालों का जवाब आपका क्या होगा। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू, और अनुमान भी लगाएं कि यह स्टोरी आगे कैसे कंटिन्यू होगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, पढ़ना शुरू करने से पहले एक्टिविटी को देखते हैं। वन ऑफ दीज वेज, यू नो, वन ऑफ द चीपेस्ट वेज टू सेंड मनी टू समवन इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किसी को पैसा भेजना चीपेस्ट वेज में से एक है। Have you ever sent or received money in this way? क्या आपने कभी इस तरीके से पैसा भेजा है या प्राप्त किया है? Here is what you have to do, यहाँ है जो आपको करना है। As you read the instructions, जब आप instructions को पढ़ेंगे, discuss with your teacher in class, क्लास में आप अपने शिक्षक से इस पर चर्चा करेंगे। The meaning of these words, इन शब्दों की meaning के बारे में। शब्द है counter, counter clerk, appropriate, acknowledgement, counter full, record. कंसल्ट और डिक्शनरी इफ नेसेसरी, यदि आवश्यक हो तो आप डिक्शनरी को देख सकते हैं। आर देयर वर्ड्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज इंग्लिश वर्ड्स इन योर लैंग्वेज, क्या आपकी भाषा में इन इंग्लिश वर्ड्स के सिमिलर कुछ वर्ड्स हैं आपके पास? प्रोसेस टू सेंड मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर सेंड करने का प्रोसेस क्या होता है? इन साइड द पोस्ट ऑफिस गो टू द काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर, यानी पोस्ट ऑफिस के अंदर आप जाइए और वहां पे मनी ऑर्डर के लिए जो स्पेसिफिक काउंटर है वहां पर आप जाएं। बाय अ मनी ऑर्डर फॉर्म बाय पेइंग 50 पैसे टू द पर्सन बिहाइंड द काउंटर, तो काउंटर के अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति है, इट मीन्स काउंटर क्लर्क जो है, तो आप उसे क्या करेंगे, 50 पैसा जमा करेंगे और उससे मनी ऑर्डर फॉर्म खरीद लेंगे। फिल इन द अप्रोप्रिएट बॉक्सेस इन द फॉर्म, और फॉर्म में जो उचित बॉक्सेस दिए गए हैं उसको आप भरिए। प्रेफरेबली इन ब्लॉक लेटर्स, इट मीन्स आपकी कोशिश हो वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंट अलॉन्ग विद द चार्जेस, और काउंटर क्लर्क को अमाउंट दीजिए एक्स्ट्रा चार्ज के साथ जो आप भेजना चाहते हैं। टेक बैक द मनी ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट काउंटर फुल फॉर योर रिकॉर्ड, एंड आप अपने रिकॉर्ड के लिए रिसिप्ट रिसीव कर लीजिए जो एक एक्नॉलेजमेंट काउंटर फुल कहलाता है। मनी ऑर्डर फॉर्म, मनी ऑर्डर फॉर्म से संबंधित कुछ जानकारी। फिल आउट द मनी ऑर्डर फॉर्म गिवन बिलो यूजिंग द क्लूज दैट फॉलो द फॉर्म, यानी नीचे आगे आपको दिया जाएगा कुछ हिंट, उसके माध्यम से आप मनी ऑर्डर फॉर्म को भर सकते हैं। यह है आपका मनी ऑर्डर फॉर्म, इसे भरना होता है। कुछ सम गाइडलाइंस टू फिल एन एप्लीकेशन फॉर्म, कुछ गाइडलाइंस है जिसे आपको भरना है। थिंक अबाउट हु यू विल सेंड द मनी टू एंड हाउ मच, यानी कितना पैसा आपको भेजना है, किसे पैसा भेजना है आपको, इसके बारे में सोचिए। यू माइट वॉन्ट टू सेंड मनी फॉर अ मैगजीन सब्सक्रिप्शन, हो सकता है कि आप मैगजीन सब्सक्रिप्शन के लिए पैसा भेजेंगे, और टू अ रिलेटिव, या फिर आप अपने रिलेटिव को पैसा भेजेंगे या फिर अपने फ्रेंड को पैसा भेजेंगे। और यू में फिल आउट द फॉर्म विद योर सेल्फ एज अ सेंडर, यानी एज अ सेंडर के रूप में आप अपनी डिटेल्स फॉर्म पर भरिए। एंड योर पार्टनर एज अ रिसीवर, और रिसीवर के रूप में आप अपने पार्टनर की डिटेल्स फॉर्म पर भर दीजिए। यूज अ पार्ट ऑफ योर पॉकेट मनी, यानी आप अपने पॉकेट मनी का कुछ हिस्सा आप यूज करिए। और सबमिट द फॉर्म एट द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस टू सी हाउ इट्स डन, और जो आपकी मनी ऑर्डर फॉर्म है वो नियरेस्ट ऑफिस में जाकर जमा कर दीजिए ताकि उसे देखा जा सके
कि यह कंप्लीटली भरा जा चुका है या नहीं। सी हाउ योर पार्टनर एंजॉयज गेटिंग मनी बाय पोस्ट, और ये भी नोटिस करिए कि आपके जो पार्टनर हैं वो कैसे एंजॉय करते हैं जब उन्हें पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पैसा रिसीव होता है। नोटिस दैट द फॉर्म हैज थ्री पार्ट्स, आप ध्यान रखें कि जो फॉर्म है फॉर्म के थ्री पार्ट्स होने चाहिए, एंड पहला जो पार्ट होता है वो मनी ऑर्डर का होता है, एंड सेकेंड पार्ट जो होता है ऑफिशियल यूज के लिए होता है, एंड थर्ड पार्ट जो होता है वो एक्नॉलेजमेंट के लिए होता है। व्हाट वुड यू राइट, आप क्या लिखेंगे इन द स्पेस फॉर कम्युनिकेशन, एक पार्ट और भी होता है फॉर्म पे वो होता है स्पेस फॉर कम्युनिकेशन, तो इसमें आप क्या लिखेंगे। सम क्वेश्चन फॉर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे इन एडिशन टू द सेंडर द फॉर्म हैज टू बी साइंड बाई, इसमें बताया गया है कि सेंटर के अलावा फॉर्म पे और किसका साइन होता है। द एक्नॉलेजमेंट सेक्शन ऑफ द फॉर्म इज सेंट बैक बाय द पोस्ट ऑफिस टू, तो आपको ये पता है ना एक्नॉलेजमेंट सेक्शन जो होता है वो बाय पोस्ट ऑफिस यानी पोस्ट ऑफिस के द्वारा रिटर्न कर दिया जाता है, पर वो किसको रिटर्न किया जाता है और उस पर साइन किसका होता है। थर्ड है द स्पेस फॉर कम्युनिकेशन सेक्शन इज यूज फॉर, यानी यह जो सेक्शन होता है किस लिए यूज किया जाता है। द फॉर्म हैज सिक्स सेक्शंस, यानी फॉर्म के टोटल सिक्स सेक्शंस होते हैं जिसमें से सेंडर को जरूरत पड़ती है कितने सेक्शन को भरने के लिए एंड रिसीवर को कितने सेक्शन भरने की जरूरत होती है। तो आंसर आपके सामने है, यानी पहला सवाल का जो आंसर है आपका पे ही होगा, पे मतलब उसको कहते हैं जो पैसा आपका रिसीव करता है, एंड दूसरा का आंसर है सेंडर को वापस दे दिया जाता है एक्नॉलेजमेंट फुल काउंटर फुल, एंड पे का उस पर साइन होता है, एंड यू नो स्पेस फॉर कम्युनिकेशन किसके लिए होता है, मैसेज कॉन्वे करने के लिए पे को। द फॉर्म है सिक्स सेक्शंस में, इसमें क्या होता है चार जो सेक्शंस होता है वो सेंडर के लिए होता है, वो भरता है सेंडर खुद यानी आप भी भरेंगे, एंड यू नो दो सेक्शन जो होते हैं वो रिसीवर के लिए होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो अब स्टोरी को कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।